कितने बजे शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2023 का वुमेन का महामुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी इंडिया वुमेन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो दोस्तों, वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेलने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और साथ ही टीम इंडिया की वुमेन किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है। इस मुकाबले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको देंगे कि इस मुकाबले को आप किस प्रकार से लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि इंडिया वुमेन टीम T20 वर्ल्ड कप 2023 में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करें और चैंपियन बने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, एशिया की चैंपियन टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है, जहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया की स्क्वाड की कि आखिरकार टीम इंडिया में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। तो टीम इंडिया की स्क्वाड में हम कप्तान की बात करें तो हरमनप्रीत कौर टीम इंडिया की कप्तान है। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे खिलाड़ी की हम बात करें तो यहां पर स्मृति मंदाना मौजूद हैं। तो तीसरे खिलाड़ी के तौर पर शेफाली वर्मा मौजूद हैं, जबकि चौथे खिलाड़ी के तौर पर जमाइमा रोड्रिक्स है। तो पाँचवें खिलाड़ी के तौर पर रिचा घोष हैं, छठे खिलाड़ी के तौर पर हरलेन देओल हैं। तो सातवें खिलाड़ी के तौर पर यस्तिका भाटिया हैं, आठवें खिलाड़ी के तौर पर दीप्ति शर्मा है। तो नौवें खिलाड़ी के तौर पर पूजा वस्त्रकर हैं, दसवें खिलाड़ी के तौर पर सिक्का पांडे मौजूद है। तो 11वें खिलाड़ी के तौर पर राधा यादव मौजूद है। तो वहीं पर 12वें खिलाड़ी के तौर पर अंजलि सरवनी मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं 13वें खिलाड़ी की, तो यहां पर राजेश्वरी गायकवाड़ और 14वें खिलाड़ी के तौर पर देविका विद्या मौजूद है। तो वहीं पर 15वें खिलाड़ी के तौर पर रेणुका ठाकुर सिंह मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया की स्क्वाड फिलहाल काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, यानी कि प्लेइंग 11 की ओपनिंग जोड़ी की। तो यहां पर हमें शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंदाना टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करती हुई नज़र आएगी। दोनों खिलाड़ियों से टीम इंडिया को काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी और अगर टीम इंडिया को इस T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करना है तो इन दोनों का चलना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 3 पर जमाइमा रोड्रिक्स टीम इंडिया की तरफ से खेलती हुई नज़र आएगी, जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकती हैं। इसके बाद नंबर 4 पर कप्तान हरमनप्रीत कौर खेलती हुई नजर आएगी, कप्तान से भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर टीम के लिए खेलती हुई नज़र आएगी रिचा घोष, जिन्हें यहां पर काफ़ी बेहतरीन हिटर के रूप में जाना जाता है, बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाती हैं रिचा घोष। तो यहाँ पर उनसे काफ़ी शानदार फिनिश की उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर 6 पर हमें हरलिन देओल खेलती हुई नज़र आएगी। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 7 पर दीप्ति शर्मा खेलती हुई नज़र आने वाली हैं। तो नंबर 8 पर पूजा वस्त्रकर नज़र आएगी। वहीं पर नंबर 9 पर राधा यादव उतरेगी। तो नंबर 10 पर सिक्का पांडे नज़र आने वाली हैं, जबकि नंबर 11 की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से रेणुका सिंह ठाकुर खेलती हुई नज़र आएगी। यानी कि दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो फिलहाल प्लेइंग 11 तो टीम इंडिया की काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, जिसमें कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है जो टीम इंडिया के लिए कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा। तो ये मुकाबला शुरू होगा 12 फरवरी को भारतीय समयानुसार शाम के 6:30 पर। यह मुकाबला केपटाउन में खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे आप लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट व हॉट स्टार पर। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले में, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अगर आप भी वुमेन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। तो